अपने घरों में बैठ के रो लोगे, उस दिन तुम सर पकड़ के रोगे करोगे फिर कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे दोस्तों आज वक्त है गलती से पहले बिल्कुल चाक चौबंद हो जाओ, चुस्त दुरुस्त हो जाओ, हर आदमी को अपनी जगह से निकाल दो, वोटर नहीं सपोर्टर बन के एक एक आदमी 15-15 वोट निकाल के अपने साथ लेकर आए, अपने दोस्तों में से, मिलने वालों में से। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, हर आदमी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव हो जाए, इस बात को समझा दे कि अगर बीजेपी को इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पार्टी इस वक्त मात दे सकती है, उसका नाम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। दोस्तों इस प्रदेश में 22% गरीबों का वोट है और उनमें से 2% वोट भी ये सारी पार्टियां मिलकर नहीं ले जा सकती, और 20% मुसलमानों का वोट है, 20 और 22 मिलकर 42% हो जाता है, सरकार बन जाती है 31% वोटों पे। आज मोदी अगर सरकार बनाए बैठे है 31% वोटों पे मोदी बना हुआ बैठा है, हम 42% हो रहे हैं मेरे दोस्तों। इस बात को गिरा बांध लेना, किसी के बहकावे में किसी भी तरह से मत आ जाना। बहुत लोग बहकाएंगे, अरे वो इतने वोट मिल गए, उसका इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा नाम है, पहले से बना हुआ। अरे भाई बड़े बड़े तुर्रमखा आए और इसी तरह चले गए। जब हवा चला करती है तो सारे बड़े बड़े पेड़ गिर जाया करते हैं, आज हवा चल गई है बहुजन समाज पार्टी की और इस क्षेत्र में माजिद अली की हवा चली हुई है। मैं बहुत से गांवों में देख के आया हूँ मेरे दोस्तों, इस हवा को संभाल के रखना, इस हवा को बिखरने मत देना। तुम्हारे पास किसान हो ना, मैं भी किसान का बेटा हूँ, जैसे पहले जमाने में पैरी कहा करते थे ना, पैर में अनाज बहुत पड़ा हुआ होता था, चारों तरफ तुम्हारी पैरियां बिखरी पड़ी हुई है, इन्हें बिखरने मत देना, सबको समेट के ले आना 15 तारीख के दिन, सारे अनाज को अपने गोदामों में भर लेना ला करके। ये अनाज है तुम्हारा, ये वोट जो है बहुत कीमती चीज है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे अनाज से भी ज्यादा कीमती है मेरे दोस्त, इसको समेट करके लेके आना। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ करता हूँ कि आप लोग जो है अपना एक एक वोट माजिद भाई के हक में डालेंगे। माजिद भाई को नमाज के बाद बुलवाना, अभी टाइम नहीं है। एक बात और मैं आपसे कह दूं, अगर कोई आपसे ये कहे कि साहब मुलायम सिंह की पार्टी और अखिलेश की पार्टी इतनी बड़ी, मैं कहता हूं आपसे पिछले इलेक्शन में 18% आरक्षण देने का वादा किया था, क्या 2% भी दिया गया? बदले में क्या दिया उसकी जगह? मुजफ्फरनगर के हंगामे, कत्ल, लूट मार, इसमत लूटना, बच्चों को पकड़ लेना, कैंपों में से भी निकाल देना, ये दिया गया रिजर्वेशन की जगह। आपको हो सकता है लोग आकर के ये भी कहे, मायावती गुजरात में गई थी मोदी के लिए वोट मांगने के लिए, मैं कहता हूं वहां गई थी, लेकिन वहां से आने के बाद उसने क्या किया कि जितने बीजेपी के गुंडे यहां पर सर उठाए घूमते थे, एक एक का सर गए सांप की तरह उसने मसल के रख